मौदा शहर से जाने वाले केसलापुर से मौदा टी पॉइंट के मार्ग के नूतनीकरण का काम शुरू है, जिस कारण एक साइड से इस मार्ग को खोदा जा रहा है। इसी मार्ग से एक साइड वाहनों का आवागमन शुरू है, जिस कारण आजू बाजू में निवासी बस्ती में भारी मात्रा में धूल उड़ने के कारण नागरिकों को भारी तकलीफ हो रही है। लेकिन ठेकेदार द्वारा इस मार्ग पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार का आरोप मौदा के सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रसाद पराते ने लगाया है। इस समस्या की स्थानीय प्रशासन अनदेखी कर रहा है। इस मार्ग पर नियमित रूप से पानी छिड़कने की मांग पराते ने की है, ताकि बस्ती के नागरिकों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न हो। सध्या मौदा शहराला विकासाची झेप घेतली आहे, परंतु हा विकास पोकळ असा वाटत आहे। या ठिकाणी मौदा केसलापूर टी पॉइंट ते रबडीवाला इथपर्यंत सिमेंट रस्ता होत आहे। या सिमेंट रस्त्याला लगत रोडचं काम चालू आहे। रोडचं काम चालू असताना इथे धुळीचं साम्राज्य निर्माण झालेलं आहे। यावेळेस इथे धूळच धूळ, आजूबाजूच्या नागरिकांना एवढा मोठा त्रास आहे, आणि येणाऱ्या जाणाऱ्यांना बाईक्सनी जे लोक जातात त्यांना आता समोरचं काही दिसतही नाही आहे। हे बघा की सिमेंट रोडचं काम चालू असताना कमीत कमी पाण्याचा छिडकाव करण्यात यावा, साईडला जो रोड आहे त्यावर सुद्धा पाण्याचा छिडकाव करण्यात यावा, अशी मागणी आमच्या मौदा शहराच्या वतीने आम्ही इथे करतो। व रोडचं काम व्यवस्थित व्हावं। NBC न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट।